गठन किस टाइप से होता है उसको हम किस टाइप से बनाते हैं फर्स्ट स्टेप वॉज फॉर्मिंग दिस इज अ बिगनिंग स्टेज एंड लास्ट ओनली अ फ्यू डेज और वीक्स मेंबर्स में बाय प्लानिंग दे वर्क एंड देयर न्यू रूल्स मोर ओवर द इमोशंस हेयर आर पॉजिटिव द ग्रुप शुड बी बाय लर्निंग अबाउट टीम प्रोसेस इन द प्रिसेप्शन फॉर द द्रो टाइमिंग अहेड इसके अंदर क्या बोला गया है कि बिगनिंग स्टेज के अंदर जो मेंबर्स हैं वो प्लानिंग करते हैं कि हमें किस टाइप से चीजों को करना है उनके इमोशंस पॉजिटिव ग्रुप्स ने मतलब हर चीज को कंसर्न करके वो वर्क एंड देयर न्यू रोल्स वो प्लान करते हैं कि उनका काम क्या करना है उनका और क्या उनका रोल रहेगा उन सब चीजों को प्लान करते हैं इस चीज के अंदर ये फर्स्ट के अंदर फॉर्मिंग के अंदर स्टेज इन वो स्ट्रॉमिंग there exist a considerable amounts of fights and arguments in this stage people's being to feel the stress of frustrations restrictions and angry moreover as the problem fosters the job remain undone जिसे हम कोई भी चीज़ का संगठन बनाते हैं प्लानिंग करते हैं कोई भी काम करने की तो क्या होता है कि लोगों का आर्गुमेंट होता है उस चीज़ के ऊपर कोई उस चीज़ से सहमत होगा कोई उस चीज़ से सहमत नहीं होगा जैसे हम कोई भी घर में इवेंट कर रहे हैं तो हमारी जो फीलिंग्स हैं उनसे बहुत से कम लोग सहमत होते हैं हम जो सोचते हैं उनसे बहुत कम लोग सहमत होते हैं और कई लोग क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो उस चीज का विद्रोह करते हैं तो उसी टाइप से होते हैं कि कई मानेंगे कहीं नहीं मानेंगे नेक्स्ट स्टेप वोज नॉर्मिंग इन द नॉर्मिंग स्टेज द ग्रुप वर्क थ्रो इंडिविजुअल एंड सोशल इश्यूज the group establishes its own norms of behavior beings to trust each other moreover as the group develops interpersonal skills it becomes all the more skilled इसके अंदर क्या होता है कि ये सोशल इश्यूज के ऊपर वर्क करता है इस टाइम पे ग्रुप वो मतलब कि सोशल जो भी काम होते हैं उनके बिहेवियर्स होते, होते हैं उनके नॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर एंड उन चीज़ों के ऊपर वो काम करते हैं नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर वो करेंगे परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग इन दिस स्टेज द ग्रुप इज रेडी टू बीग्स परफॉर्मिंग इट रिप्रेजेंटेटिव टास्क एंड असाइंड जॉब उस टाइम पर वो बिल्कुल रेडी होते हैं कि उनको जॉब जो जॉब असाइन की गई है वो उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी होते हैं इन दिस स्टेज द ग्रुप हैज़ बिकम्स वेल

पोस्ट द परफॉर्मिंग स्टेज दर्जेंट दर्ज एंड ग्रुप परफॉर्मेंस मतलब स्थगित कर देते हैं हर चीजों को खत्म कर देते हैं इस लास्ट स्टेज के अंदर प्रोसेस को फिनिश कर देते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेश बिकॉज द ग्रुप इज अर्जेंट वंस द टास्क दैट असाइंड टू द ग्रुप इज कम्प्लीटेड जब हमारा जो में दिया गया है वो कंप्लीट हो गया है तो उस चीज को स्थगित कर देते हैं खत्म कर देते हैं वो कंप्लीट होने के बाद वो उस स्टेज के अंदर लास्ट स्टेज होती है इसके अंदर वो सारी चीजों को फिनिश कर देते हैं कंप्लीट हो जाती हैं सारी चीजें नेक्स्ट टॉपिक वो ग्रुप डायनेमिक डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील ग्रुप डायनेमिक सिस्टम ऑफ बिहेवियर एंडलग्रेटेडिकल साइंस एजुकेशनल सोशल वर्क लीडरशिप स्टडीज बिजनेस एंड मैनेजर स्टडीज एज वेल एज कम्युनिकेशन स्टडीज ये जो ग्रुप है इसके अंदर हम अपनी जो भी एंथ्रोपोलोजि पोलिटिकल साइंस होती है जो भी हमारे एजुकेशन है सोशल वर्करशिप है उन सब चीजों को हम उनके अंदर स्टडी करते हैं इम्पोर्टेंट हमारा क्यों रहता है ग्रुप इसका रोल क्या होता है? डबल एवरी टाइम अगर हर उस ग्रुप के अंदर जो जिसके अंदर हम अपनी सारी चीजों को स्टडी करते हैं इसके अंदर अप्लीकेशन होती है हमारे स्टडी करने की सोशलॉजी जो भी हमारी सोशोलॉजी होती हैं या जो भी हमारी मेंटेलिटी होती है पोलिटिकल एजुकेशन होती है सोशल वर्क होती है उसको स्टडी करने की तो उन सब चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो पॉजिटिव थिंकर लोग होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं हर एक चीज के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं ग्रुप डायनेमिक कैन फर्दर मोर गिव जॉब सेटिस्फेक्शन टू द मेम्बर्स जब हमारा ग्रुप जो वो डायनेमिक है सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है उन मेंबर्स को द ग्रुप कैन इन फ्यूज द टीम स्पिरिट्स अमंगस द मेम्बर्स वो टीम स्परिट को क्रिएट करता है वो बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से ऑल्सो इफ द ग्रुप्स वर्क एज द कोसिव ग्रुप्स द कोपरेशन एंड इनवर्जेंस कैन रिजल्ट इन द द ऑफ़ प्रोडक्टिविटी अगर आप कॉपरेशन के साथ काम करोगे अगर आपका ग्रुप कॉपरेशन के साथ काम कर रहा है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा प्रोडक्टिविटी आपकी सबसे ज्यादा होगी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होगी फर्दर मोर ग्रुप्स डायनेमिजम्स कैन रिड्यूज लेबर अनस्ट अगर आपका ग्रुप डायनेमिक है आप अच्छे से हर चीज़ को समझते हैं और वो लोग भी आपकी चीज़ों को समझते हैं आप उनको बताते हैं आप पॉजिटिव आपका एटीट्यूड रखते हैं तो वो आपकी जो लेबर है वो रेस्ट करना नहीं चाहेगी वो सोचेगी कि हम अपने काम को कंप्लीट करें और हम रेस्ट ना लें लास्टली द रिड्यूस द लेबर टर्न और जो लेबर टर्न होता है टर्न का मतलब क्या होता है जब एक साल के अंदर जो लेबर छोड़ के चली जाती है और हमें दोबारा उनको रिक्रूट करना पड़ता है दोबारा नई लेबर को लेके आना पड़ता है वो होता है रेशो तुर तुर इमोशनल सारी चीजें बनती हैं अच्छा आपका व्यवहार है अच्छा आपका नेचर है और आप उनकी एक सोशल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो उस टाइम पे उनके साथ आपकी अच्छी अटैचमेंट हो जाएगी और वो आपकी जो जॉब है उसको छोड़ के नहीं जाएंगे तो आपकी उनके साथ अटैचमेंट हो जाएगी और वो आपके जो आपकी कंपनी है उसको छोड़ के नहीं जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप डायनेमिक कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ग्रुप डायनेमिक को साइकोलॉजिकल फोर्सेस पास्ट एक्सपीरियंस

जो पहले हमारे साइकोलॉजिकल फोसेस होते हैं आपका स्टेटस क्या है आपकी सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है नहीं करवाई जा रही है आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो सब चीज़ें आपकी ग्रुप डायनमिक को अफेक्ट करती हैं पास्ट एक्सपीरियंस आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो पहला आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है कहीं आपने कहाँ पर जॉब की है एंड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन अ ग्रुप डिपेंड्स अपॉन हिज एंड हर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स ऑफ लाइफ कंपेरिजन्स ऑफ द हैबिट्स वैल्यूज एटीट्यूड एंड इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस को चेक किया जाता है आपके बिहेवियर को चेक किया जाता है कि आपका पास्ट में एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपको अगर आपने वो जॉब छोड़ी थी तो किस वजह से छोड़ी थी वो सब चीजें चेक की जाती है आपका एटीट्यूड कैसा है आपकी हैबिट्स कैसी हैं और आपकी वैल्यूज क्या हैं उनका आपका प्रिसप्शन क्या है आप किस चीज़ को ज्यादा महत्व देते हो तो वो सब चीज़ें चेक करके आप फिर आपका वो मैटर करता है वो अफेक्ट करता है आपके ग्रुप डायनेमिक को Factor: Our goals and ideologies. Another essentials component is the individual goal and beliefs, which may or may not be aligned with that of the whole group's, leading to disagreements and unwell, un unwillingness to perform. जो हमारे गोल हैं उनको देखा जाता है कि इंडिविजुअल का गोल क्या है आप किस चीज पे बिलीव करते हैं और क्या चीज आप चाहते हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि आपके गोल क्या हैं और गोल के अकॉर्डिंगली फिर उस वो ग्रुप को जज किया जाता है कि आप उस ग्रुप को लीड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और उस चीज के लिए सही रहेंगे उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए आप सही रहेंगे या नहीं रहेंगे नेक्स्ट है अशोशियनशियल फोर्सेस अशोशियनशियल फोर्सेस is that the impact of family geographical habitudes heirs groups traditions customs and religions on the individual direct his and her actions in the group जो आपकी हैबिट है आपके जोग्राफिकल एरियाज़ जिस मतलब जिस एरिया के अंदर आप रहते हैं और आपकी फैमिली कैसी है वो सब चीज़ें आपकी कस्टम्स क्या हैं आप ट्रेडिशन कौन सा फॉलो करते हैं वो आपकी डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे आपके ग्रुप के ऊपर क्योंकि आपका बिहेवियर भी उस टाइप का होगा आपका नेचर भी उस टाइप का होगा एंड आप मतलब उसी टाइप से चीज़ों के बारे में रिएक्ट करोगे जैसे आप बिल्कुल मतलब आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो सब चीज़ें कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप मिडिल क्लास हैं आप लोअर क्लास हैं आप अपर क्लास हैं आपके कस्टम्स क्या हैं आपके रिलीजन्स क्या हैं उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आपका बिहेवियर होगा एंड उस चीज़ को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपका ग्रुप आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप डायनेमिक अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो